नमस्ते ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाकर के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है जहाँ पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप रिलेशनशिप्स के बारे में, आप योगासन के बारे में, चेयर पर बैठ के एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, डिप्रेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो कि दी गई हैं नीचे लिंक में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलें, आज परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं। परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं मैंपन के बोझ को समाप्त कर। मैंपन जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर औरों के साथ में विघ्न पड़ते हैं, औरों के साथ में तू तू मैं होती है, जिस चीज़ को परमात्मा चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना हो और ना ही हम जब सेवा कर रहे हों या आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे हों तो ये सारी चीज़ें बीच में आएँ। तो मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले, प्रत्यक्ष फल मतलब जो इस चीज़ में हम चाहते हैं कि वो सेवा सफल हो, वो कार्य सफल हो, उस चीज़ में सफलता प्राप्त करने का परमात्मा हमें तरीका बता रहे हैं। करने वाले बालक सो मालिक भवा। जब हम बालक बन जाएंगे, अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे, मैं कैसे करूँ, मेरे को करना है, मेरे पास ही सारे गुण हैं, मेरे को ही सारा ज्ञान है, तो परमात्मा पिता कहते हैं फिर तुम अपने आप कर लो, सारा बोझ अपने आप ले लो। तो फिर मालिक नहीं बन पाओगे। किस चीज़ के मालिक? परमात्मा के गुणों के और शक्तियों के। तो ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, इसके बारे में परमात्मा कहते हैं। देखें जरा, जब किसी भी प्रकार का मैपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं, मेरे को ही पता है, मेरे को ही ज्ञान है सारा, मैं ही अच्छा करता हूँ, मैं ही अच्छा बोलता हूँ, मैं ही अच्छा समझाता हूँ, सब किसके ऊपर आ गया? अपने ऊपर आ गया। तो फिर वहाँ पे परमात्मा पिता की ज़रूरत ही नहीं है हमें। वैसे भी हमने परमात्मा पिता को दूर करके रखा है क्योंकि मेरे को ही सब कुछ पता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि वो हम लिंक फिर से ना तोड़ें। लेकिन जब आप बाप ऑफर कर रहे हैं आपको कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों? मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि नाचो उड़ो, मतलब हल्के रहो, मन में आप बिल्कुल डांस करते रहो हर चीज़ के बारे में सोच करके, कि वहाँ पे आपको विघ्न नहीं है। जहाँ टेंशन होती है वहाँ पे डांस बंद हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। मेडिटेशन करना, थोड़ी देर के लिए परमात्मा से जुड़ना, अपने आप को मन बुद्धि हर तरफ से हटा देना और परमात्मा से जुड़ करके फिर उसके बाद में कनेक्शन जोड़ करके बैठ जाओ। फिर लेक्चर जो करना होगा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान किसका है? मेरा ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है। तो मेरे को अपनी बुद्धि चलानी नहीं है, परमात्मा जो गाइडेंस करेंगे, डायरेक्शन करेंगे सूक्ष्म में, वो ऑटोमेटिकली टच हो जाएगा। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस, परमात्मा पावर हाउस है, से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते। सो कहते हैं दिल शिकस्त बनना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचना और फिर क्यों, क्या, कैसे उसमें फंस जाना। परमात्मा चाहते हैं कि हम कनेक्शन जोड़ के बैठ जाएँ, बाकी सब कुछ वो संभालेंगे। जैसे एक पिता क्या बोलता है, बच्चे मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम अपना बस काम करते चलो, बाकी मैं तुम्हारे पीछे हूँ, बैकबोन हूँ। तो परमात्मा कहते हैं बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो। मैं बालक किसका? परमपिता परमात्मा का। आप बालक किसके? परमात्मा पिता के। और मालिक किसके? मालिक अपनी बुद्धि के नहीं, मालिक है परमात्मा की दी हुई बुद्धि के। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जो शक्तियाँ दी हैं, उसके मालिक पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। परमात्मा से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ करके अगर हम बैठें तो जाकर के परमात्मा की दी हुई बुद्धि चलेगी, नहीं तो अपनी बुद्धि चलेगी, अपने संकल्प चलेंगे और जो कार्य करना चाहते थे वो बिगड़ जाएगा। उसमें या तो घृणा आ जाएगी, या ईर्ष्या आ जाएगी, या फिर तू तू मैं हो जाएगी, ऊंच नीच की बात आ जाएगी। ठीक है, परमात्मा की याद में बैठ करके किया हुआ कर्म वो कभी खराब नहीं होगा, वो सफल होगा ही है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम हर कार्य में सफलता पा इस तरीके से करें। तो आज का ये श्री वरदान, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इसमें तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको सीखना है ये कनेक्शन कैसे जोड़ना है तो आप ब्रह्म कुमारी सेंटर में जा करके इसको सीख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जीवन में सफलता, छोटी छोटी चीज़ों में और सेवा में कैसे सफलता लानी है, उस चीज़ को सीख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।